चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण के दौरान पूर्व राज्यपाल पर भड़के अमित शाह, सरेआम लगाई फटकार। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आज इटली के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। चीन से खाली हाथ लौटे शहबाज शरीफ, जिनपिंग ने पाकिस्तान की उम्मीद पर फेरा पानी। कुवैत अग्निकांड में मारे गए लोगों की मौत का कौन है जिम्मेदार? आमिर शेख मैसाल बोले, कोई नहीं बख्शा जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बड़ा हादसा, मकान में आग लगने से 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत, कई लोग झुलसे। राष्ट्रपति मुर्मू ने लाल किला पर हमला करने वाले आतंकी की दया याचिका खारिज की। पीएम मोदी ने नारा, लोकेश को नहीं छूने दिए अपने पैर, इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा खूबसूरत वीडियो। G7 समिट में शामिल होने आज इटली रवाना होंगे पीएम मोदी, राष्ट्रपति बाइडेन से भी मुलाकात संभव। कुवैत अग्निकांड के बाद पीएम मोदी ने की हालात की समीक्षा, भारतीयों की सहायता के लिए फॉरेन मंत्रियों को भेजा। लोकसभा में हार के बाद विधानसभा चुनाव के लिए एक्टिव आप सरकार, किए 2 ऐलान। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।